नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश, सैम टू रिवीजन, राइट? ओके, ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड आवर रिवीजन वन वर्कशीट। आई होप यू हैड कंप्लीट दिस ऑल वर्कशीट्स, राइट? एंड कंप्लीट ऑल आंसर्स आल्सो विद हेल्प ऑफ आवर वीडियो। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यूइंग आवर रिवीजन विद आवर रिवीजन पार्ट टू, रिवीजन वर्कशीट टू, राइट? आर यू रेडी विथ योर रिवीजन वर्कशीट विच यू हैड राइट इन योर फेयर बुक? Okay, so now we will start question number one. So please take your fair book and sit on front of your video. Okay, now we'll read the question number one heading and then we will solve our question number one, right? Okay, so now let's start. Question number one is, write the correct option A, B, C or D in the box. It means यहाँ पे आपको MCQs दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस है और ऑप्शंस है, फोर ऑप्शंस A, B, C एंड D। तो जस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द बॉक्स A, B और C, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स रीड इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कर्ली लॉक्स वेंट टू अ ब्लैंक नियर अ हाउस। तो आपने देखा होगा हमारा जो यूनिट 6 है, राइट? तो उसमें एक स्टोरी थी, द कर्ली लॉक्स एंड थ्री बेयर्स। Yes, so we are talking about this story. So first of all, Curly Locks कहाँ गई थी? Yes, क्योंकि उसका घर था, right? उसका घर कहाँ पे था? तो forest के पास उसका घर था, तो घर के पास उसके forest था, तो वहां पे वो जाती है ना। तो यहाँ पे options देख लेते हैं। Option A, forest. Option B, zoo. Option C, cottage. ऑप्शन डी लैब। सो फर्स्ट ऑप्शन वी विल चूज ऑप्शन ए, बिकॉज शी इज गोइंग फॉर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जाती है ना, यस। सो राइट हियर ए। और यहां पे जो आपको ब्लैंक दी गई है, यू हैव टू राइट देयर आंसर आल्सो। फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, राइट? ओके, तो फॉरेस्ट में वो कॉटेज देखती और फिर कॉटेज में जाती है, जहां पे बेयर फैमिली रहती थी, राइट? यस, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? फॉरेस्ट, ऑप्शन ए। सो प्लीज राइट द आंसर इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू इट नंबर टू। नंबर टू इज, द ब्लैंक लिव इन द कॉटेज। कॉटेज में कौन रहता था? लेट्स लुक द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए, फॉक्स फैमिली। ऑप्शन बी, मंकी फैमिली। ऑप्शन सी, बेयर फैमिली। एंड ऑप्शन डी, जिराफ फैमिली। नाउ कैन यू टेल मी व्हिच फैमिली वाज स्टेइंग देयर इन द कॉटेज? यस, बेयर फैमिली, राइट? सो आवर आंसर इज सी, राइट हियर ऑप्शन सी, बेयर फैमिली, राइट? और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ना, बेयर फैमिली, यस, द बेयर, बी ई ए आर, बेयर फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली, राइट? ओके, नाउ नंबर थ्री, द कॉलेज इन द ब्लैंक बबल वॉज जस्ट राइट। सो इन द स्टोरी आपने बहुत अच्छे से वीडियोस देखे हैं, एक्सप्लेनेशन देखा है, बहुत सारी एक्सरसाइज भी की है, वी हैव कंप्लीटेड वर्कशीट्स आल्सो, राइट? तो आपने देखा होगा जो कर्नी लॉक्स थी वो कॉटेज में जाती है, राइट? एंड आफ्टर इट एंटरिंग इन द कॉटेज, शी सॉ अ डाइनिंग टेबल एंड देयर वॉज अ थ्री बाउल्स, राइट? तो उसे वैसे भी बहुत भूख लगी थी ना, यस, तो वो वन बाय वन सारे बाउल्स में टेस्ट करती है पॉरेज, राइट? तो उसे कौन सा पॉरेज का बाउल ऐसा राइट लगा था? थिंक अबाउट इट, ऐसा कौन सा बाउल था जिसमें पॉरेज खाने के लिए राइट था, यानी कि बहुत हॉट भी नहीं था और बहुत ही कोल्ड भी नहीं था, कैसा था? राइट था। चलो बोलो जल्दी, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टाइनी बाउल। ऑप्शन बी, बिग। ऑप्शन सी, मिडल। एंड ऑप्शन डी इज कर्ली। सो टाइनी बाउल वॉज द राइट फॉर कर्ली लॉक्स, राइट? ओके, सो आवर आंसर इज टी आई एम वाई, टाइनी, एंड यू हैव राइट योर ऑप्शन ए, राइट? ओके,
Now the last one. The big bag was very blank. And let's read the options. A. Hot. B. Hard. C. Cold. And D. Soft. Now, after eating the porridge, she was feeling sleepy. Yes, उसे बहुत नींद आने लगी थी. तो फिर वो क्या करने गई थी? She entered the bedroom. Yes, and then she started trying the beds. पहले first big वाला bed try किया, फिर middle size वाला, and the last one the tiny वाला, right? Okay. तो उसे कौन सा ऐसा bed right लगा था? आपको पता है ना? तो जैसे कि big ball की बात कर रहे हैं, तो big bed की बात कर रहे हैं, तो big bed कैसा था? क्या वो hot था, hard था, cold या फिर soft? Yes, it was hard. Yes, so you have to write here hard, right? And tick here and write option B. Okay. Now, first we will do quickly revisiting the question number one, and then we will start our question number two. Okay. So first is number one is let's read and write all the answers, and you have to fill up in your book also. Okay. Curly locks. A forest near the house. Done? Okay. Number two is the bear family lived in the cottage. Done? Okay. Number three, the porridge in the tiny bowl was just right. And then number four, the big bag was very hard. Full stop. Okay. Now let's start question number two. Okay? Let's start it. Now, dear students, let's start question number two. क्वेश्चन नंबर टू इज फिल इन द ब्लैंक्स. इट मींस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. जस्ट यू हैव टू चूज द वर्ड एंड देन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, राइट? ओके. दिस ब्लैंक्स आर रिलेटेड टू अवर स्टोरी द कर्ली लॉक्स एंड थ्री बेयर्स, राइट? ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग फोर एमसीक्यूज एंड दिस नाइन ब्लैंक्स द स्टोरी द कर्ली लॉक एंड थ्री बियर्स की स्टोरी आपको इतनी अच्छे से याद रह जाएगी कि आपको एग्जाम में पेपर देते ही कर्ली लॉक्स का कोई भी क्वेश्चन आना आप ऐसे लिख सकोगे. यस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट? यस, क्योंकि स्टोरी हो या पोयम हो, कुछ भी हो, हमने रिविजन अच्छे से किया है तो हमें कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है. सच्ची में प्रॉमिस. यस, चलो रिविजन कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन भी आपकी तरफ से बहुत इजीली हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर टू ऐसे हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द ब्लैंक्स एंड देन कंप्लीट द आंसर्स ऑन दिस एंड वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? ओके. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट ब्लैंक. फर्स्ट ब्लैंक इज कर्ली लॉक्स हैव ब्लैंक हेयर. नाउ आपने तो बहुत अच्छे से वीडियो देखा ही है कर्ली लॉक्स की स्टोरी का. ओके, नाउ कैन यू टेल मी कर्ली लॉक्स के हेयर कैसे थे? लेट्स चूज द ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, राइट? यहाँ तो आपके ब्लैंक्स कंप्लीट करने में के बहुत ही इजी हो जाएगा, स्मूथली, व्हेन यू आर रीडिंग द ब्रैकेट्स हियर. कर्ली लॉक्स के हेयर कैसे थे? हार्ड, सॉफ्ट, टाइनी, कर्ली. यस, बिकॉज यू कैन से कर्ली लॉक्स के हेयर कर्ली कर्ली थे ना. यस, तो चलो चूज करते हैं यहाँ से कर्ली ऑप्शन एंड देन राइट सी यू आर एंड वाई कर्ली. कर्ली लॉक्स हैव कर्ली हेयर. वेरी गुड, नाइस स्टूडेंट्स, गुड. नंबर टू स्टार्ट करते हैं. द पॉरेज इन द बिग बाउल वॉज वेरी ब्लैंक. पॉरेज इन द बिग बाउल वॉज वेरी कोल्ड और हॉट और राइट कैसा था? चलो ऑप्शन में से देखते हैं. हार्ड, सॉफ्ट, टाइनी, हंग्री, बिग, राइट एंड कोल्ड एंड सॉफ्ट. हॉट, हॉट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो यहां से हम हॉट चूज कर लेते हैं क्योंकि पॉरेज जो था बिग बॉल में बहुत ही गर्म था ना, इसलिए हॉट इज द राइट आंसर. सो लेट्स राइट हॉट. ओके, द फॉरेस्ट इन द बिग बॉल वॉज वेरी हॉट. ओके,
Now number 3. Porridge in the middle size bowl was too bland. Porridge जो middle size bowl में था वो कैसा था? बहुत ही cold था ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं cold option yes. C-O-L-D, cold, right? Very good. Now number 4. The porridge in the tiny little bowl was just right for curly dogs to eat, right? Yes. क्योंकि वो बहुत ठंडा भी नहीं था और बहुत गर्म भी नहीं था तो वो इजीली खा सकती थी, राइट? और बहुत ठंडा होता है तो हमें टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है और बहुत वो ठंडा बहुत गर्म लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? राइट, आर आई जी एच टी, राइट. द पॉरेज इन द टाइनी लिटिल बाउल वॉज जस्ट राइट, राइट. ओके, नंबर 1. द बिग बैग वॉज वेरी, बहुत ही हार्ड था ना? यस, पावा बियर का. यस, तो हार्ड कहाँ पे है जो लोग फाइंड करते थे? यस, वी फाउंड इट. हार्ड, एच ए आर डी, हार्ड. द बिग बैग वॉज वेरी हार्ड, वेरी गुड. नंबर 6. द मिडिल साइज बैग वॉज टू सॉफ्ट. यस, क्योंकि मामा बियर का बैग था वो बहुत ही सॉफ्ट था तो गले लोग सोते ही अंदर घुस जाती है ना. यस, सो लेट्स चूज सॉफ्ट, एस ओ एफ टी, सॉफ्ट, राइट. ओके, वेल, नाउ नेक्स्ट नंबर 7. कर्ली लोग स्टेप इन द ब्लैंक लिटिल बेड. कैसे, वो कौन से बेड में सो जाती है? टाइनी, यस, छोटा वाला जो बेड था वहां पे वो सो जाती है ना, क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है. बिकॉज इट वॉज नॉट टू हार्ड और नॉट टू सॉफ्ट, इट वॉज जस्ट राइट फॉर स्लीप, राइट. ओके, तो वहां पे बड़े लोग सो जाती है, राइट. ओके, नंबर 8. द ब्लैंक बेड वॉज वेरी हार्ड. कैसा वाला बेड? बहुत हार्ड था. यस, बिग बिग बैग, बिकॉज पापा बियर का जो बैग था वो बहुत ही हार्ड था. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी आई जी, बिग. द बिग बैग वॉज वेरी हार्ड. नाउ द लास्ट वन, कर्ली लॉक्स वॉज ब्लैक, सो शी एट ऑल द बैग पॉच. तो कर्ली लॉक को क्या हुआ था? उसे तो बहुत भूख लगी थी ना. यस, तो भूख लगी थी, चलो कहाँ गया? ओके, हंग्री. यस, शी वॉज वेरी हंग्री, राइट. एच यू एल जी आर वाई, हंग्री. द कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, सो शी एट द पॉरेज. वेरी गुड स्टूडेंट्स, देखा बच्चों हमने कितना इजीली क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑल द आंसर्स इन योर पेन नाउ. ओके, गुड हैंड राइटिंग से आपको कंप्लीट करना है, यू नो ना. ओके, सो आपको इजी लगा ना क्वेश्चन नंबर 2? अब आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से याद रह गई है. आई होप आपको मजा आया होगा. तो अब हम स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. सर्कल द ऑड वन आउट. इट मींस यहाँ पे जो 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है, यानी कि सेम साउंड वाले वर्ड्स है, बट द वन वर्ड इज ऑड, यानी कि डिफरेंट है, उसका साउंड डिफरेंट है. जस्ट यू हैव टू चूज दैट डिफरेंट साउंड वर्ड एंड देन यू हैव टू सर्कल इट. इट मींस वी हैव टू चूज सर्कल द ऑड वन आउट. ऑड वन को चूज करना है. Are you ready? So now let's start. Number 1 is time, row, so. तो देखा आपने यहाँ पे row and so. These two words are same sound, right? So which one is odd? Yes, time is the odd. तो हमें circle करना है time के ऊपर, right? Okay. Number 2, table, figure and set. Now can you tell me which one is odd? Yes, same is the odd word, so we have to circle same. Okay, now number 3.
वेयर हेयर केयर। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम सम प्रोडक्ट वेयर हेयर केयर, बट यू कैन सी यहाँ पे है ई आर ई वेयर ई आर ई राइट, लेकिन यहाँ पे है ए आर ई। सो विच वन इज डिफरेंट? यस केयर। तो हमें सर्कल केयर के ऊपर करना है राइट। बी केयर कभी कभी ऐसा भी होता है साउंड सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो रहा है राइट। ओके तो आपके आप ऐसे चूज कर सकते हो। नंबर फोर फ्रॉक ब्लॉक टेक। नाउ टेक इज द ऑड वन सो वी हैव टू सर्कल टेक। नंबर फाइव गेट ब्राइट एंड राइट। ब्राइट एंड राइट is the same sound words. It means these are rhyming words, but which one is odd? Gate. So we have to circle gate. So number one से थोड़ा सा quickly reason कर लेते हैं. Number one में है time, which you have to circle it. Number two sale. Number three care. Number four take. And number five gate. So जल्दी से quickly you have to complete question number three because we have to start our question number. Let's start question number 4. Question number 4 is circle the describing words. It means you have to choose the describing words from the sentences and then you have to circle it. So, जैसे कि question number 4 के starting में आपको एक example मैंने आपको दिया है. The example is there are red roses in the big flower pot. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने red और बिग के ऊपर सर्कल दिया है. कैन यू टेल मी व्हाई आई हैड सर्कल द रेड एंड बिग वर्ड? ओके तो जैसे कि हमने ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट किया था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में राइट. इट मींस वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यानी कि यहाँ पे जो आपको नेमिंग वर्ड्स को ज्यादा डिस्क्राइब करता है तो डिस्क्राइबिंग जो वर्ड होता है वो हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसके बारे में देता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स. इट मींस पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स ये जो नेमिंग वर्ड्स है उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको बताते हैं. यस जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूंगी देयर वॉज अ रेड रोज. कौन से कलर का रोज था? रेड. इट मींस रेड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस एग्जाम्पल. एंड देन हाउ वॉज द फ्लावर पॉट? इट वॉज बिग. इट मींस बिग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर फ्लावर पॉट राइट. तो ऐसे ही हमें यहाँ पे फाइव सेंटेंसेस में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो हमें हमारे नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं राइट. ओके चलो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से. ओके देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई. नाउ कैन यू टेल मी व्हिच इज द नेमिंग वर्ड हियर? क्लाउड. तो क्लाउड को कैसे डिस्क्राइब हो रहा है? कौन से? यस ब्लैक कलर से डिस्क्राइब. कैसे क्लाउड थे? ब्लैक. इट मींस ब्लैक इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हमें सर्कल करना है ब्लैक के ऊपर राइट. ओके नाउ नंबर टू जय हैड अ स्मॉल बैग. नाउ हाउ वाज द जॉयज बैग? जॉय का बैग कैसा था? स्मॉल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेमिंग वर्ड कौन सा है? बैग. यहाँ पे स्मॉल बैग को डिस्क्राइब कर रहा है. कैसा बैग था? स्मॉल था, बिग था, हैवी था, सॉफ्ट था, हार्ड था? यस इट वाज स्मॉल राइट. वेरी गुड. नेहा हैड कर्ली हेयर. यस अभी हेयर को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? हेयर इज अ नेमिंग वर्ड बट कैन यू टेल मी व्हिच इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम इन द सेंटेंस? कर्ली. कर्ली इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस राइट. तो हमें क्या करना है? सर्कल. वेरी गुड. नंबर फोर द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल. वेरी गुड. चलो जल्दी से. यस शॉर्ट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द टेल. वेरी नाइस. नंबर फाइव द फैट कैट सैट ऑन द न्यू मैट. नाउ यू कैन से कैट को यहाँ पे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? फैट.
पैराग्राफ राइट किया है, जस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड 5-6 सेंटेंसेस। आप भी इतने सेंटेंसेस इजीली आप रेडी कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स अ फेवरेट टॉपिक। क्योंकि हमें जब फैमिली के बारे में लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हो ना, ये हमें किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। हम बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, 5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस भी बहुत इजीली लिख सकते हैं, राइट? ओके, सो टॉपिक इज माई फैमिली। तो जैसे कि हम धोराजी में रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे धोराजी राइट, जैसे कि आई लिव इन धोराजी। तो अब धोराजी में रहते हो तो आप सेंटर तो लिखोगे, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं। देन देयर आर फोर मेंबर्स इन माय फैमिली। मैंने यहाँ पे फोर राइट किया है। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं आप राइट कर सकते हो, 6 है 7 है 8 है, राइट? तो आप यहाँ पे मेंबर्स राइट कर सकते हो। एंड देन यू कैन द नेक्स्ट लाइन, माय फादर इज एन इंजीनियर। मेरे पापा इंजीनियर है, तो मैंने यहाँ पे इंजीनियर लिखा है। आपके पापा ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप ऑफिस लिख सकते हो। शॉप में वर्क करते हैं तो शॉप लिख सकते हो। टीचर है या फिर कुछ भी है, आप जो काम करते हो वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, राइट? एंड देन इज माय फादर इज एन इंजीनियर एंड माय मदर इज अ स्कूल टीचर। मेरी मम्मा है वो स्कूल टीचर है, स्कूल में पढ़ाती है। मेरे पापा के बारे में इंजीनियर में राइट किया है, मम्मी के बारे में टीचर राइट किया है। तो आप भी ऐसे ही, किसी की मम्मी काम नहीं करती है, घर पे काम करते हैं, तो आप ऐसे भी लिख, माई मम्मी इज अ हाउस वाइफ, शी इज वर्किंग एट होम, शी इज डूइंग ऑल वर्क इन हाउस होल्ड, राइट? ओके, एंड देन यू कैन राइट, आई एम इन सेकेंड स्टैंडर्ड एंड माई यंगर सिस्टर इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्राइब किया है कि मेरी एक बहन है, छोटी बहन है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और मैं सेकंड स्टैंडर्ड में हूँ, राइट? ओके, तो आपके भाई बहन जो भी है, छोटे हैं बड़े हैं, तो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, एंड देन माय मॉम एंड डैड टेक केयर ऑफ अस, दे लव अस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉम एंड डैड लिखा है, आप मम्मा एंड पापा भी लिख सकते हो, पेरेंट्स भी लिख सकते हो, जो आप बुलाते हो वो भी लिख सकते हो। एवरीथिंग इज फेयर बिकॉज वी आर राइटिंग अबाउट माय फैमिली। आपकी फैमिली में जो आपको राइट करना है वो आप अच्छे से राइट कर सकते हो, राइट? तो देखा बच्चों, हमने बहुत ही क्विकली फ्यू सेंटेंसेस रेडी कर लिए हैं माय व्यूज माय फैमिली के बारे में। जस्ट यू हैव टू कंप्लीट दिस पैसेज इन योर वर्ड्स, ओके? आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो देखा बच्चों, हमने कितनी इजीली क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्विकली कंप्लीट कर लिए। आई होप यू एंजॉय दिस रिविजन वर्कशीट 2 वीडियो, एंड देन प्लीज कंप्लीट ऑल द आंसर्स इन योर फेयर बुक, एंड देन यू कैन सबमिट योर होमवर्क ऑल्सो, राइट? तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट वीडियो में हमारे वर्कशीट 3 के साथ हम मिलेंगे। सी यू सून। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।